अगले 20 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाला है, वैसे ही रामलीला का भी मंचन का आगाज हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं, इसीलिए आज भूमि पूजन किया गया है। इस वक्त हम हैं ग्रेटर नोएडा के साइट फोर, जो वेनिस मॉल के पास है, वहाँ पे जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे हैं। यहाँ पे भूमि पूजन श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा, जो पिछले कई वर्षों से ग्रेटर नोएडा में रामलीला कराती आ रही है, उसके द्वारा भूमि पूजन किया गया। वैदिक रीति रिवाज के साथ, हवन के साथ जो है पूजा अर्चना की गई। देखते हैं इसके कुछ दृश्य। तो ये आपने इदम् अग्ने आशेरन्नमः ओम उदुतमं वरुण पाश मद्दवं विमद्दवं रधायहं अतावे मारिते वृते तवं ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो ये आपने कुछ दृश्य देखे भूमि पूजन के। अभी हमारे साथ रामलीला कमेटी जो है उसके पदाधिकारी गण है, और मैं आपको बता दूं पिछले 2 वर्ष से इस रामलीला को ग्रहण लगा हुआ था, 2 वर्ष से इसका आयोजन नहीं हो रहा था। हालांकि पिछले वर्ष जो है विजयदशमी के दिन जो है पुतला का दहन, रावण के पुतले का दहन किया गया था और विजय महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन इस बार जो 2 साल गैप रहा तो उसी दुगुने जोश के साथ और कुछ नए स्वरूप के साथ इस बार लीला की प्रस्तुति होने वाली है। अभी हमारे साथ अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तो उन लोगों से हम बात करते हैं। अध्यक्ष मंजीत सिंह जी हैं। मंजीत सिंह जी, इस बार क्या खास रहेगा, और उसके पहले भूमि पूजन जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताएं। तो हाँ, भूमि पूजन आज हुआ है, 4 तारीख को, बड़ा ही विधि विधान के तरीके से हुआ है। इसमें पूजा अर्चना और हवन हुआ है। इसके अंदर सभी शहर के जिम्मेदार लोग और महिला मातृशक्ति और हमारे क्षेत्रीय विधायक नेता लोग, सभी सामाजिक लोग, सभी व्यापार संगठनों के लोग हमारे बीच में आए हुए, पत्रकार बंधु आए हुए हैं हमारे बीच में, सभी ने इसमें आए और इसमें आहुति दी। और इस साल जो आप कह रहे हैं रोहित जी, नयापन तो क्योंकि 2 साल की महामारी की जो बीमारी चल रही थी, ये 3रे वर्ष में अब कैसे इस साल उसकी भरपाई इस बार आप लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ, उसकी भरपाई कर रहे हैं, और इसको आपको नया जब आएंगे तो आपको बहुत सारा कुछ नया आपको लीला का मंचन के माध्यम से आपको मिलेगा। तो मैं बता दूं भरत मिलाप का भी आयोजन इस बार किया जा रहा है, इस बार ऐड किया गया। हमारे साथ सचिव हैं सौरभ बंसल जी। तो कोरोना काल था उसमें बहुत सीमित था, कुर्सियाँ ये नियम वो नियम, तो इस बार क्या कैपेसिटी रहेगी और क्या नियम कायदे रहेंगे इस बार? देखिए, 2 साल के अंदर काफ़ी बदलाव आया है शहर में, शहर भी काफ़ी बड़ा हुआ है, यहाँ लोग भी बहुत नए जुड़े हैं, और 2 साल के बात कर रहे हैं तो इसलिए टीम के अंदर भी एक एनर्जी बनी हुई है कि हम कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ भव्य करना है। तो पिछली बार तक हमारी कैपेसिटी 7 से 8 हज़ार लोगों की रहती थी बैठने की, बाकी इस बार हम 10 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। और 26 तारीख से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, देशभक्ति पर नृत्य प्रतियोगिता करेंगे। यहाँ शहर के 20 से अधिक स्कूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 26 सितंबर को भगत सिंह जी की जयंती का दिन है, उसको समर्पित करने के लिए भक्ति और देशभक्ति पर आयोजित एक कार्यक्रम रहेगा। और 27 तारीख से 4 तारीख तक रामलीला का सुंदर मंचन आप यहां देखेंगे। इस मंच के माध्यम से साकेत कला मंच के कलाकार हैं जो मुरादाबाद से आ रहे हैं हमारे बीच में, 60 लोगों की टीम होती है, वो यहाँ मंचन करती है। और 5 तारीख में भव्य दशहरा का कार्यक्रम यहाँ देखेंगे, रंगीन आतिशबाजी होगी, 3 पुतलों का दहन होगा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन। और उससे नेक्स्ट 6 तारीख में भरत मिलाप और राम राज्य अभिषेक का सुंदर कार्यक्रम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ष झूले और मेले पर भी विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि लोगों की ये डिमांड रहती है कि रामलीला तो बहुत सुंदर होती है और मेले को भी थोड़ा सुंदर करा जाए, जिससे कि बाहर की चीज़ों को हम यहाँ देख सकें, ले सकें, तो उस पर हमने फोकस करा है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ मेला और झूले यहाँ लगेंगे। और सर जी, मैं टोकना चाहूँगा, तो आकर्षण का केंद्र बहुत होता है, तो कुछ वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से झूले में ये सब में जी, कुछ आपके ओर से कमेटी रहेगी जो, या कुछ लोग रहेंगे, स्क्वाड रहेगा जो उस पर मॉनिटर करे, बिल्कुल, ताकि लोगों को डर ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई हादसा हुआ भी है उससे सबक लेते हुए सारी NOCs ली जा रही हैं। उसके अलावा प्रतिदिन उसकी जाँच कराई जाएगी, जो हमारे संचालक हैं इसके झूलों के, उनको इस विशेष हिदायत दी गई है कि प्रतिदिन उनकी टीम सबले झूलों को चेक करेगी, सारे तारों को चेक करेगी, हमारे सुरक्षा गार्ड रहेंगे, मेला कमेटी बनेगी,
वो प्रतिदिन उसकी जांच करेगी और पूरा प्रयास करा जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा यहाँ ना हो और सभी लोग आनंद से झूले का मजा ले सकें। जी, हमारे साथ एडवोकेट मुकेश शर्मा जी भी हैं जो सचिव भी हैं कमेटी के और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भी शहर का गतिविधियाँ होती हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो शर्मा जी, जैसा कि अब कोरोना काल थम सा गया है और गतिविधियाँ भी शहर में शुरू हो गई हैं, कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितना उत्साह अब लोगों में है यहाँ पे? पिछले 2 साल से हम लोग रामलला कमेटी के सदस्य सारे रामलला नहीं करा पाए थे कोरोना काल की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं है, वक्त वक्त को ठीक कर देता है, वक्त को भी वक्त चाहिए। अब वो फिर वक्त आया है इस शहर के सभी सम्मानित लोगों को और आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को हम रामलला कमेटी से आमंत्रित करती है, आकर के वो उत्साहपूर्वक यहाँ पर भागीदारी करें और आकर के सब लोग। तो कमेटी पूरे उत्साह में है, तो आप लोग भी पूरे उत्साह में आइए, जरूर आइए। 26 तारीख से रामलीला का मंचन यहाँ पे रोजाना शाम को 7 बजे से शुरू होगा और 5 तारीख को जो है दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा और ख़ास करके यहाँ पे आकर्षण का केंद्र झूला और स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे और उस पर विशेष कमेटी जो है उस पर सुरक्षा पे नज़र भी रहेगी। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप इस खबर को हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज़ में देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक फेसबुक पेज लाइक करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।